नमस्कार, मैं संजय सनम। डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है। हंसता खिलखिलाता चेहरा है, जहां पर लाखों लोग इनके मुरीद हैं, और वर्तमान, भूत और भविष्य, सब कुछ ऐसा लगता है जब इनके पास आप आ जाते हैं तो एक के बाद एक पढ़ते, रहस्यमय पढ़ते, आपके भविष्य की भी और आपके भूत की भी आपको बता दी जाती है और भविष्य आपके सामने खुलने लगता है। जी हाँ, मैं पंडोकर सरकार श्रीमान गुरु शरण जी महाराज जी के सामने हूँ। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि लोग पहले भी कहते रहे कि जैसे कि हमारी कई बार जैसे मुलाकात हो चुकी होगी, दिल से मुलाकात निश्चित रूप से, क्योंकि आत्मीय भाव था, है और रहेगा। पर ये जो फिजिकल रूप में हम इतने पास आज जो बैठे हैं, वो पहली बार है। मैं उनके दरबार में हूँ। बाहर सैकड़ों लोगों की कतारें लगी है और मैंने इनसे समय मांगा है आप लोगों के लिए कि मैं थोड़ा सा संक्षेप में एक साक्षात्कार लूं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी, आपके दरबार में भी और दूसरे दरबारों में भी नकारात्मक शक्तियों के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। एक बड़ी बात होती है तंत्र मंत्र किया कराया, लोग करते रहते हैं, साधक ठीक करते रहते हैं, फिर करते रहते हैं। कई बार लोगों की समस्याएं बरसों तक चली जाती है। और एक बात और आती है गुरुजी, जो सवाल बनकर के खड़ा रहती है कि कई बार ये कहते हैं कि आत्माओं को लोग, तांत्रिक लोग पकड़ लेते हैं, तो सवाल ये है कि जो भगवान को स्मरण करने वाली आत्मा है, क्या उनको भी तांत्रिक लोग पकड़ लेते हैं? क्या वो भगवान से भी ऊपर हैं? इस क्षेत्र में आपका पक्ष क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो भैया संजय सनम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पंडोकर धाम में होके आए। बहुत बहुत बधाई के आप आ रहे हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माता भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब माता भगवती निरोग और सुखी रखें, आपको खूब दिमाग प्रखर रहे और तेजवान रहें, तेजस्वी रहें। साथ ही सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद। परमात्मा सबके पर कृपा बनाए रखें और सद ज्ञान प्राप्त हो, सद रास्ता प्राप्त हो। जैसे आपने कहा सबसे पहले कि बहुत जगह झाड़ फूक होती है, बहुत जगह दरबार चलते हैं, गड्डियाँ लगती हैं, थार भरते हैं, तो सबके पीछे कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई शक्ति होती है, कोई ना कोई ऐसा रहस्यमय तिलस्मी, कोई ऐसा चमत्कार रूपी या रहस्यमय कोई ऐसा गुप्त सुराग होता है जो एक खोजने की आवश्यकता होती है। लास्ट में पता लगता है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेत बाधा, तो दैहिक दैविक भौतिक ताप जो संकट है, इन तापों के अंदर तो भूत बाधा भी आती है। इसमें दैहिक और दैविक कहा गया है। दैहिक और दैविक माने शरीर, और दैविक माने कोई दैविक शक्ति पराशक्ति के द्वारा, भौतिक माने अनेक प्रकार की व्याधियां जो जीवन में के कार्य में, विकास में, आपकी तरक्की में बाधक होने वाली गति अवरोधे हैं। तो आपको यह बता देता हूं कि तंत्र मंत्र होते जरूर हैं, प्रेत बाधा होती हैं, भूत बाधा होती हैं। संभवतः हर किसी को प्रेत बाधा परेशान नहीं करती, हर किसी को पितर दोष नहीं होता, हर किसी के ऊपर जादू टोना नहीं काम करता। इसका एक रहस्य है, क्योंकि जब तक ग्रह प्रतिकूल होते हैं, जब तक कोई भी भूतवादा या प्रेतवादा या ग्रहवादा उसको परेशान नहीं करती है, जब उसका ग्रह डिफेक्टली होते हैं, उसके विरोध में जाते हैं, तो हावी हो जाते हैं, संपूर्ण ग्रह हावी हो जाते हैं। जैसे ज्योतिष में आया है, कहते हैं कि आपके ग्रह अभी प्रतिकूल है, अनुकूल समय फलाने समय के बाद होगा। उसी प्रकार से जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं, तब उनके ऊपर तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया कर पाते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते, ये हम गारंटी देते हैं। साथ ही किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु जब होने के पश्चात कोई आपका विरोधी तत्व वहां खड़ा हुआ है और वो अघोर तंत्र साधना प्राप्त कर रखी है, मरकट जागृत कर रखा है, वो व्यक्ति आपकी, आपके पुरुष की, आपके आत्मा के संबंध जिस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति को जगाया जा सकता है। वह व्यक्ति वश में कर लेता है उसको, जो पिशाच रूप में जागृत कर सकता है, भूत रूप में जागृत कर सकता है। और इसके ये दो ही योनियां हैं, इसके अलावा भूत योनि में जो प्रथम व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति, वो भूत योनि में जाता है। प्रमोशन में वो पिशाच बनता है, उसके प्रमोशन में प्रेत बनता है, फिर उसके प्रमोशन में प्रीत बनता है,
फिर उसके प्रमोशन में परीत बनता है, फिर उसके प्रमोशन में सिद्ध बनता है, फिर उसके प्रमोशन में देव बनता है, फिर देवता होता है, फिर ईश्वर बन के परमात्मा में विलय हो जाता है। ये नियम मनुष्य के भूत योनि की कोटियों में प्रमोशन है। जी जी जी। लेकिन ये जो मैंने एक जो बात कही कि बहुत धार्मिक लोग जो बहुत भगवान को भजते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनकी आत्माओं को भी लोकतांत्रिक लोग पकड़ लेते हैं क्या? इसके पीछे कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति दिखने में, दो प्रकार की साधना होती है, एक होती है साधना दिखाने वाली, एक होती है वास्तविक साधना। जो वास्तविक साधना करते हैं वो कभी दिखते नहीं है, जो दिखा के करते हैं वो साधना नहीं, एक आडंबर है। तो कभी भी अपनी पूजा अर्चना को कभी किसी के सामने स्पष्ट नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट को नहीं बताना चाहिए कि मेरा इष्ट कौन है, और इसको ये नहीं बताना चाहिए मैं किस मंत्र का जाप करता हूँ, क्योंकि जब विरोधी तत्व को पता लग जाता है कि ये देवी भक्त है तो उसको भगवान शिव की दुहाई लगा दी जाए तो देवी साधना वहाँ की लॉक हो जाएगी, और उसके ऊपर हावी होकर के उसको कुमार्ग पर चलाने के लिए एक दिशा होती है। कोई विरोधी तत्व है, उसको पता है कि चामुंडा का भक्त है, माँ काली का भक्त है, यदि उसको मांस खिला दिया जाए तो उसको उसकी शक्ति नहीं बनेगी, यदि उसको सुअर का मांस खिला दिया जाए, सुअर का रक्त खिला दिया जाए तो उसकी देवी साधना रुक जाएगी। ये अनेक प्रकार की, इसलिए हाथ में जो आपके शस्त्र अस्त्र होता है उसको गुप्त रखना चाहिए। विरोधी के द्वारा जब विरोध चालू होता है, जब सीमाएं बन जाती हैं, तो अपना अस्त्र शस्त्र लेके पहुंच जाएंगे तो वो शस्त्र आपका लाभदायक होगा। यदि शस्त्र का पता होगा कि आपके पास कौन सा शस्त्र है तो विरोधी उससे बड़ा शस्त्र लेके आएगा। इसी प्रकार से कभी भी अपना इष्ट के बारे में किसी से आम व्यक्ति को चर्चा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अनजान साधक से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साधक आपका अनुकूल है या प्रतिकूल है, आपसे चिढ़ जाता है तो वो दुहाई लगाकर रोक लगा सकता है, तो आपकी साधना से कुमार्ग हो सकते हैं, आपकी साधना का डिफेक्ट पड़ सकता है, उसके कारण आपके शरीर में डिफेक्ट आ सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल ब्रेन मेमोरी लॉस हो सकती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाते हैं, सोडियम प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जब क्या होता है, जब किसी के साधना साधकगण होते हैं तो विशेषकर वो तुच्छ शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिन शक्तियों का मात्र काम ही है लोगों को भटकाना, तो ऐसे झाड़फूँक करने वाले औजारों से हजारों हाथ दूर रहना चाहिए। तो जैसे घर में नारियल रखवाने वाले, ईटा पत्थर रखवाने वाले, मरघट की धूप देने वाले, गंडा ताबीज के नाम पर कमर में बांधने वाले, पैरों में बांधने वाले, अंगूठे में बांधने वाले, चोटी में बांधने वाले, ऐसे तांत्रिकों से दूर रहना चाहिए। जो लॉक एंटीलॉक अब लॉक खोलने की विधि बताते हैं, इनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब मसानी विद्याओं में आता है। तो सात्विक शक्तियों पर तामसिक शक्तियाँ हावी होती है, जैसे कि आपका प्रॉपर वजन, यदि कि 1 kg का आपका वजन है और अगली वाली तामसिक शक्ति यदि 5 किलो की है तो निश्चित है कि आपकी शक्ति निष्क्रिय होगी। क्यों होगी? जैसे कि एक आन के चलिए कि एक पार्थ के रूप में भगवान स्वयं योगी कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं अर्जुन की, उनके पास भी ब्रह्मश्री अस्त्र है, और इस साइड में अश्वत्थामा के पास में भी ब्रह्मश्री अस्त्र है, लेकिन दोनों लोग कल्याण के भाव की भावना से गुरु ने दिया, परंतु एक तामसिक हो गया और एक सात्विक और ईश्वरवादी हो गया, धर्म पर चलने वाला हो गया, तो जो असात्विक शक्ति है उसकी शक्ति एक बार ही चलेगी और छिन हो जाएगी, और सात्विक शक्ति है बार बार काम करेगी, यानी दैविक शक्ति है बार बार काम करेगी, लोक कल्याण जनित की शक्ति बार बार काम करती है, और तामसिक शक्ति एक बार काम करने के बाद निष्क्रिय हो जाती है, उसको बार बार जगाना पड़ता है, इसलिए तांत्रिक लोग निरंतर पूजा अर्चना में बैठे रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही आई, एक तरफ साधक अपने भक्तों को ठीक करते हैं, दूसरी तरफ उन पर जो करने वाले हैं वो भी प्रक्रियाएं करते रहते हैं, अंततः जीत किसकी होती है? क्योंकि व्यक्ति 2 साल 4 साल 5 साल लगा रहता है, वो हमेशा बोलता रहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा, जा रहा हूँ फायदा नहीं हो रहा। क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति पर 1 शक्ति है, किसी पर 2 शक्ति है, किसी पर 5 है, किसी पर 10 है, किसी के डाला है, और डाला का मतलब ऐसा होता है, संजय सनम जी आपके 5 दोस्त है, 5 के 5, 5 के 10 है, 10 के 50 है, 50 के 100 है जी। तो जब संजय सनम जी लाते हैं तो एक दूसरे को खबर जाती है कि आपको पता है, कि आपको पता है, कि आपको पता है, तो वो शक्तियों का डाला खुल जाता है, तो वो उनको ढूंढने को निकलती है, तो वो उस व्यक्ति को ढूंढती है जिसको परेशान कर रही थी, तो उस बॉडी पर वो शक्तियां आती है, तो कई बार इस व्यक्ति को ठीक करने में महीने बीत जाते हैं। तो ये उसका मतलब ये नहीं कि वो तांत्रिक इतना फ्री है कि तुमको फ्री में ही तुम्हारे नाम का हवन कर रहा है, तुम्हारे नाम का अंडा दे रहा है, तुम्हारे नाम का पूजा दे रहा है, बलि दे रहा है,
कोई एक बार दे चुका है और वो एक वो जब भी आएगा वो कहेगा तुम्हारा वो तांत्रिक बेटा है, वो बार बार कर रहा है। वो बार बार नहीं कर रहा है, वो कर चुका है। बस उसके जैसे कि किसी कंप्यूटर में रिमाइंडर डाल देते हैं और लिख देते हैं कि 24 तारीख को रिमाइंडर चला जाए, तो स्वतः ही 24 तारीख को रिमाइंडर चला जाएगा जी। तो इसी प्रकार से उस शक्तियों का रहता है। ये शक्ति पे कोई रोक आती है, इनसे दूरियां होती हैं, तो अन्य लोग ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो आपको लगता है कि वो बार बार भेज रहा है, तो जो साधारण जानकार होता है जिसके कोई कान में शक्ति बात नहीं करती है या कुछ दिखाने का मतलब उसका पहले से फीड किया हुआ होता है और अपने आप चलता रहता है। ये प्रक्रिया के तहत चलता रहता है। संजय सनम जी सीधे सीधे उत्तर ये है कि आप इतने फ्री नहीं है कि आप मेरे बारे में बार बार इंटरव्यू लेते रहें जी। यदि आप मेरे बारे इंटरव्यू लेते रहेंगे तो खाएंगे क्या? क्या वो तांत्रिक है? क्या उसके पास यही काम है जी? जी जी, क्या जी। उस तांत्रिक को कोई इतना बड़ा पैसे वाला हो जो अरबों रुपए दे रखा हो कि भैया तू इसके ऊपर करते रहा? गुरु जी अब एक बात ये बताइए, रक्षा कवच की बात आती है, इष्ट की सिद्धि की, इष्ट के प्रति संकल्प। लोग कहते हैं अपने कुल देवी देवताओं की पूजा आराधना आप मजबूती से करो, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, वो अपना रक्षा कवच, अपना बचाव पहले से कैसे कर सकें? देखिए अभी आपने कहा कि सत्य की जीत होती है अधर्म की, तो अधर्म अभी हाल फिलहाल बढ़ते दिखता है और असत्य कभी फलीभूत नहीं होता है। असत्य निष्क्रिय ही रहेगा और सत्य की विजय होती है। लेकिन उसको साधक को ये देखना चाहिए कि किस कोटि की शक्तियाँ उसको परेशान कर रही हैं। यदि अघोर तंत्र साधना परेशान कर रही हैं तो उसके लिए हनुमान जी के पास भेजा जाए, या माँ भगवती काली के साधक के पास भेजा जाए, या चामुंडा देवी के पास भेजा जाए, या भटुक भैरव की शक्तियों के पास भेजा जाए, तो वहाँ से लाभ मिल सकता है। या राजस्थान में भूमिया देव होते हैं, रामदेव बाबा होते हैं, जहरपीर होते हैं, इनके दरबार में चले जाएं तो भी अघोर तंत्र साधनाएं खत्म हो जाएंगी। साधारण अन्य शक्तियां अघोर साधना को खत्म नहीं कर सकती। दूसरा आपने कहा कवच जी, कवच कैसा पहनना चाहिए सामान्य व्यक्ति के लिए? कवच कैसा पहनना चाहिए? तो सामान्य व्यक्ति यदि भूत प्रेत वाला से बचना चाहता है तो उसका साधारण पहला कवच है कृष्ण ध्यान करे, भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाए और हृदय स्तोत्र पाठ का जाप करे। इससे बड़ा कोई भी कवच नहीं है। भगवान राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई की, दशानंद से जब युद्ध करने गए तो राम रक्षा स्तोत्र का हृदय स्तोत्र पाठ का जाप किया, तो हृदय स्तोत्र पाठ करने के पश्चात हनुमान कवच डाला। और हनुमान कवच इस संसार में कटता नहीं है, इसीलिए बगल में राम जी के बगल से हनुमान कवच डाला हुआ है। हनुमान जी कदम में कदम मिला के चल रहे हैं, छाती मिला के चल रहे हैं और हनुमान जी राम जी से आगे खड़े हुए हैं। तो हनुमान कवच में एकादश रुद्र का पाठ करना चाहिए, एकादश कवच का पाठ करना चाहिए, या एक मुखी कवच डाल करके इस दुनिया में चले सुबह से लेके 24 घंटे तक। जब आप दो बार मलबूत्र जाएंगे, चार बार जाएंगे, वो कवच कटता नहीं है। दुर्गा सप्तमी का भी कवच कटता नहीं है, 24 घंटे तक सफल रहता है। दुर्गा सप्तशती का भी अगर किया जाए तब भी सफल है? बिल्कुल, इससे बड़ा कोई भी कवच नहीं होता, इससे ऊपर बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। यही अंतिम है और यही सत्य है। इष्ट की शक्ति काम करती है, बिल्कुल रक्षा करती है। साधारण व्यक्ति भी ये कवच कर सकता है, चाहे वो पूजा करता हो अथवा ना करता हो। यदि उसको डर है कि हम पे भूत प्रेत बाधा है तो हनुमान कवच करे, एक मुखी और या एकादश मुखी यानी 11 मुखी का पाठ करे और कवच डाल ले, या देवी भक्त है तो दुर्गा सप्तमी का कवच करे। कोई एक मंत्र का जाप भी फलित हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, दो अक्षर का मंत्र है। किसी की आपको डर है कि हम पे टाइम नहीं है, हमें नौकरी जाना है, हम दो घंटे पाठ नहीं कर सकते, तो श्री माँ भगवती दुर्गा का स्मरण करें और महादुर्गा जो भगवान शिव की पत्नी है जी, जो आदि शिव की पत्नी है जी, जो सदा शिव की पत्नी है। जब पृथ्वी महाप्रलय होता है, जब दुर्गा मृत्यु होती है उसके बाद ही पृथ्वी महाप्रलय होती है। अभी तो क्या है, ब्रह्मा मर रहे हैं, ठीक है, शिव मर रहे हैं, लेकिन जिस दिन दुर्गा मरेगी उस दिन सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो अभी पृथ्वी बड़ी शेष है, अभी कोई कलयोग फलयोग नहीं है, ये कृत योग है, जैसा करोगे उसा भरोगे। ये 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है और 28वें राम ने रावण का वध किया था, 27वें राम ने कृष्ण का वध किया था, इसलिए अभी एक योग बहुत शेष बाकी है, इतने सूर में ईंधन है। तो ये आप मंत्र की बात जब आप बता रहे हैं, तो मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा, तो जप करने के स्थिति में स्वाहा शब्द का उपयोग नहीं करना है। ओम श्रीम फट कुरु कुरु सोकर अमुक व्यक्ति का नाम बोलते हुए नमा का उपयोग करना है,
और रक्षा रक्षा फट कुरु कुरु स्वाहा लगाना है। अच्छा। या और साधारण करना है तो शब्द तो एक ही है, ओम श्रीम कुरु कुरु स्वाहा लिख सकते हैं, लेकिन जो मंत्र जब किया हो तो स्वाहा बोलना है, नहीं तो इसको चलाने की स्थिति में फट जोड़ के स्वाहा लगाएं तो ये मंत्र काम करेगा रक्षा कवच के रूप में। रक्षा रूप है ये, देवी कवच है। और कुल मिलाकर आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अगर आप करें सही रूप से तो फिर रक्षा स्वतः होती रहेगी, एक रक्षा कवच बनता रहेगा। यदि हनुमान जी का कोई भक्त है तो हनुमान जी का मंत्र एक साधारण मंत्र है, वैसे साधारण लोग विद्वान लोग बताते हैं ओम हनु हनुमते वीराय नमः, ये कह करके आप सो जाएं या रास्ते में जाएं तो डर नहीं लगेगा, रक्षा रहेगी। या कहते हैं ओम हनु हनुमत वीराय नमः या हनुमते नमः या हनु, ये शब्द से बता करके बता देते हैं। लेकिन हनुमान जी का एक साधारण मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रूम फट ठम ठम डम डम हूम हूम फट गुरु स्वाहा। इस मंत्र का यदि उपयोग करके 11 बार वो चलता है तो 24 घंटे तक रक्षा होती है, 24 घंटे तक रक्षा होती है। कोई चीज़ इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं ओम क्लीम फट गुरु गुरु स्वाहा, ये देवी मंत्र भी है और हनुमान जी का भी मंत्र इसमें है, और साथ में इसमें 5 शक्तियां 27 समावेश हैं जिनका विद्वानों का मत है कि मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, और ये 5 ओम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा या ओम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा या ओम क्लीम फट स्वाहा, ये एक ही मंत्र है, विद्वानों ने इसको अलग अलग स्थान करके अनेक अनेक शब्दों को समावेश करके मंत्रों की रचना की है। बहुत बहुत आभार आपका, व्यस्त समय में आपने बहुत ऐसी चीजें बताई जो मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए जो परेशान रहते हैं और जिनको परेशान होने का डर रहता है लोगों को परेशान देख करके, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये मंत्र जो आपने दिए हैं, जो आपने मार्गदर्शन दिया है, वो निश्चित रूप से उनके लिए एक आशाकारक बनेगा, उत्साहजनक बनेगा, उन्हें विश्वास होगा कि मंत्रों का जाप, कुल देवी देवताओं का जाप करने के बाद वो सुरक्षित रहेंगे, फिर उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरु शरण जी महाराज जी ने हमें अपना वक्त दिया, बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, उसके बावजूद आप लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आ जाए जिससे आपको दरबारों में न जाना पड़े, समस्याओं को लेकर के न जाना पड़े, हाजिरी देने के लिए आप निश्चित रूप से जाएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।